बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बनाते हैं वायरल मैगी। पहले दो पैकेट मैगी लेके मैंने बॉईल कर ली थी, पानी रख दिया, उसको मैंने बॉईल करने को रख दी मैगी को। बहुत आजकल वायरल हुई हुई है मैगी। मैंने इस पे गार्लिक नहीं डाला था, अगर आपको गार्लिक चाहिए हो तो वो भी डाल दीजिएगा। गार्लिक मुझे अच्छा नहीं लगता है मैगी में, इसलिए मैंने नहीं डाला था। देखिए मेरे स्टाइल में मेरी रेसिपी बना के बहुत टेस्टी लगेगी आपको इंशाल्लाह रहमान। मैंने दो पैकेट मैगी को बॉईल कर लिया है। आप चाहिएगा तो अपने क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैंगे, तीन पैकेट भी कर सकते हो बॉईल, एक पैकेट भी, जैसे आपको खाना हो जितने चाहिए हो। अब मैगी को मैंने चेक कर लिया, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा थोड़ा कड़ी कड़ी रहा है मतलब। तो मैंने देखा बॉईल हो गई मैगी, अब मैं इसको छान लूँगी, छान के निकाल दूँगी इसका पानी पूरा। इसको मैंने हल्का सा वॉश कर लिया था, अगर वॉश नहीं करूँगी तो अजीब सी लेसी लेसी मैशी मैशी हो जाएगी। अब मैंने एक डिश का चम्मच होता है बस भर के मैंने ऑयल ले लिया इसमें डिश में, और उसके बाद मैंने मैगी मसाले का एक पैकेट डाल दिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता आएगा। एक मैगी मसाले का मैंने पैकेट डाला और दो पैकेट मैंने मैगी के बनाए थे तो इसलिए मैंने इसके दो शैसे थे वो भी मैंने इसको डाल दिए। अगर एक पैकेट आप मैगी बना रहे तो एक डालिएगा, मैंने दो बनाए इसलिए मैंने दो डाल दिए। मैगी मसाला डाल दिया, मैंने इसमें चिली फ्लेक नहीं डाली थी, मैंने सोया सॉस डाली थी, सोया सॉस से इसका अच्छा टेस्ट आता है। एक टीस्पून सोया सॉस डाली है, टमाटो सॉस दो टीस्पून डाली थी मैंने, और ग्रीन चिली सॉस मैंने एक टीस्पून भर के डाली थी, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गई इसलिए थोड़ी सी तो मैंने ऐसे ही एक टीस्पून के करीब डाल दी थी। और ये पास्ता सॉस आती है कि इसको डालिएगा, एक टीस्पून भर के डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पास्ता पिज़्ज़ा सॉस करके आता है डॉक्टर रत्कर का, तो वो मैंने डाली थी। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने मैगी डाल दी। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लिएगा, अब अच्छे से मिक्स होगी तो उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी थी ना कि बता नहीं सकते। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो आप थोड़ा सा ऑयल में गार्लिक को कड़क थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाए फिर वो डाल दिएगा। मुझे गार्लिक का फ्लेवर इसमें अच्छा नहीं लगा था तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। और इसको आप बना के मेरे स्टाइल में बना के देखिएगा, खा के फिर बताइएगा कैसी हैगी। शाम के नाश्ते के लिए झटपट बनने वाली मैगी, डिफरेंट टेस्ट की, डिफरेंट स्टाइल में। रोज़ तो वही वाली बनाते हैं हम लोग, पानी में सब मसाला डाल के उसको पका के उसको खाने का, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मैगी बनी थी। ओके, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया कीजिए। जज़ाकअल्लाह मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।